नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC के क्वेश्चन पेपर जो कि अभी कुछ दिन पहले ही हुए हैं। तो 2020 में ही ये पेपर हुए हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है विच डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड एट हाईएस्ट एल्टीट्यूड। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला मुख्यालय सबसे ऊंचे शिखर पर स्थित है? सबसे ऊंचाई पर जो जिला मुख्यालय स्थित है वो है ऑप्शन बी केलोंग। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। केलोंग जो है वो लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर बात करें कि केलोंग से रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो केलोंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि केलोंग में जो है वो पोस्ट ऑफिस ब्रांच जो है वो कब ओपन की गई थी। 1869 में यहाँ पर पोस्ट ऑफिस ब्रांच जो था वो ओपन की गई थी। कुट की कल्टिवेशन जो थी वो कब इंट्रोड्यूस की गई थी यहाँ पर लाहौल स्पीति में, तो कुट की कल्टीवेशन 1925 में इंट्रोड्यूस की गई थी। मोरावियन मिशन जो था वो केलंग कब पहुंचा था या फिर केलोंग में कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो 1857 में मोरावियन मिशन जो था वो केलोंग पहुंचा था। तो ये दो तीन क्वेश्चंस आप यहाँ से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, कुगती पास कनेक्ट्स लाहौल बीत, कुगती दर्रा जो है वो लाहौल को किसके साथ जोड़ता है? देखो कुगती दर्रे की बात हो रही है, तो क्वेश्चन नंबर 122 का ऑप्शन सी सही आंसर है, भरमौर। भरमौर के साथ लाहौल को ये जोड़ता है कुगती दर्रा। कुछ और दर्रे भी हैं जो कि लाहौल को भरमौर के साथ जोड़ते हैं, जैसे कि कालीछू दर्रा है। कालीछू दर्रा जो है वो लाहौल को भरमौर के साथ जोड़ता है। एक है छोबू दर्रा, तो छोबू दर्रा जो है वो किसको जोड़ता है, ये भरमौर को लाहौल स्पीति के साथ जोड़ता है। एक है डुग्गी जोत, डुग्गी जोत जो है ये भी भरमौर को लाहौल के साथ जोड़ता है। तो ये तो आप याद रखिए जो दर्रे भरमौर को लाहौल से और लाहौल को भरमौर से जोड़ते हैं। हाँ, इस लिस्ट में एक और दर्रा भी आता है, ये शिपतिंग दर्रा। शिपतिंग दर्रा जो है ये भी भरमौर को लाहौल से जोड़ता है। अब चार पांच दर्रे हो गए, इन सभी को आप याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 123। 123 है, वशिष्ठ हॉट वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखो तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में वशिष्ठ गर्म पानी का चश्मा स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 123 का ऑप्शन डी सही आंसर है, कुल्लू। कुल्लू में स्थित है वशिष्ठ गर्म पानी का चश्मा। एक एग्जाम में पूछा गया था कि कोपरा कोल्ड वाटर स्प्रिंग कहाँ पर है, तो कोपरा कोल्ड वाटर स्प्रिंग डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। और लुनानी हॉट कोल्ड वाटर स्प्रिंग कहाँ पर है, तो लुनानी कोल्ड वाटर स्प्रिंग ये भी कांगड़ा में स्थित है। अगर बात करें सलोल कोल्ड वाटर स्प्रिंग की, तो ये भी कांगड़ा में स्थित है। सुलाह कोल्ड वाटर स्प्रिंग ये भी कांगड़ा में स्थित है। अब आप कमेंट करके बताइए कि जोगनी वाटरफॉल कहाँ पर स्थित है। जोगनी वाटरफॉल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि जोगनी वाटरफॉल कहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। 124 है, चुहार वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो चुहार वैली है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 124 का ऑप्शन ए सही आंसर है, मंडी में स्थित है चुहार वैली। वैली से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे जा चुके हैं। देखो तो एक क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया था वैली से रिलेटेड कि दून वैली कहाँ पर स्थित है, तो दून वैली कहाँ पर है, दून वैली जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। एक तो है दून वैली, एक है कियारदा दून वैली। तो कियारदा दून वैली जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है और दून वैली जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। अब डिस्ट्रिक्ट सोलन की वैलीज मैं आपको बता देता हूँ, एक दून वैली हो गई, एक सपरून वैली हो गई, एक कुनिहार वैली हो गई, ये सभी कहाँ पर सोलन में स्थित है। मंडी में चुहार वैली स्थित है, बलहा वैली जो है वो मंडी में स्थित है, बड़ी फेमस वैली है बलहा वैली भी, तो ये कहाँ पर स्थित है, ये मंडी में स्थित है। तो ये वैली से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिए। देखो अगर इसी तरह की वीडियोस आपने और पीछे की नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और भी अदर सेक्शन जो हैं वो HPSSC के क्वेश्चन पेपर्स के डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं, तो उन वीडियोस को ज़रूर देख लें। क्वेश्चन नंबर 125 है, द वैदिक नेम ऑफ रिवर व्यास इज, तो व्यास नदी का जो वैदिक नाम है वो क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 125 का ऑप्शन डी सही आंसर है, अर्जिकिया जो है वो वैदिक का, व्यास नदी का वैदिक नाम है। अब ब्यास की सहायक नदियाँ आप देख लीजिए, यहाँ पर देखिएगा ब्यास की सहायक नदियाँ, तो ब्यास की जो सहायक नदियाँ हैं वो है लूणी, बेन, बाणगंगा, उहल, बनेर, चक्की, गज, हारला, पतलिकुलह, सैंज, सुकेती, मामोनी, तीर्थन, कुनाह, मान, फुजल, हंसा, ज्यूनी और देहर, ये जो है ये ब्यास की सहायक नदियाँ। तो ब्यास की सहायक नदियाँ भी आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, 126 क्या है, कराली लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो कराली लेक है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। ऑप्शन डी शिमला जो है वो सही आंसर है। अब डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है कराली लेक, तो यहाँ पर एक नज़र मान लिए कौन कौन सी लेक्स हैं शिमला में। एक तो चंद्रनाहन लेक शिमला में है
और दूसरी तानुन जुगल झील जो है ये भी शिमला में ही स्थित है। तो ये दो तीन लेक्स हैं, एक कराली लेक होगी ये भी शिमला में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126 के बाद। क्वेश्चन नंबर 127 है, द बैटल ऑफ नादौड़ फाउट बिटवीन राजा भीमचंद ऑफ कहलूर एंड मुगल अंडर अलीफ खान इन विच ईयर। तो नादौड़ की लड़ाई कहलूर के राजा भीमचंद और अलीफ खान के नेतृत्व में मुगलों के बीच किस वर्ष हुई थी। देखो बैटल ऑफ नादौड़ जो था वो किस किस के बीच में हुई थी, ये हुई थी राजा भीमचंद जो कि कहलूर के थे और मुगलों के बीच, जो कि मुगलों का नेतृत्व अलीफ खान के द्वारा किया जा रहा था। तो ये कब हुई थी, 127 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है, 1691 में जो था ये बैटल ऑफ नादौड़ हुई थी। कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैटल ऑफ नादौड़ जो था वो किस किस के बीच में हुई थी, तो बैटल ऑफ नादौड़ कहलूर के बीच में हुई थी और मुगलों के बीच में हुई थी। इनके कौन कौन इसको लीड कर रहे थे, कौन कौन से लीडर थे इसके, तो ये तो आपको पता चल गया, भीमचंद और अलीफ खान। अगला देखिए, अगला है 128, हिमाचल प्रदेश बिकेम द चीफ कमिश्नर प्रोविंस इन विच ईयर। हिमाचल प्रदेश जो था वो मुख्य आयुक्त प्रांत कब बना था। 128 का ऑप्शन ए सही आंसर है, 1948। 1948 में हिमाचल मुख्य आयुक्त प्रांत जो था, चीफ कमिश्नर प्रोविंस जो था वो बन गया था। अगर हिमाचल के बारे में हम थोड़ा सा और जान ले, तो हिमाचल प्रदेश किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश बना था, 1956 में ये केंद्र शासित प्रदेश बना और 1971 तक ये केंद्र शासित प्रदेश रहा। हिमाचल प्रदेश में टेरिटोरियल काउंसिल का गठन कब किया गया था, तो 1957 में टेरिटोरियल काउंसिल का गठन किया गया था। बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में कब हुआ था, तो 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर का विलय हुआ था। बिलासपुर के बाद कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका विलय हुआ था, बिलासपुर के बाद जो था वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का विलय हुआ था 1960 में, और उसके बाद बाकी के डिस्ट्रिक्ट धीरे धीरे जुड़ते रहे और हिमाचल बनता रहा। अगला क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कुल कितने प्रशासनिक प्रभाग है। तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 129 का ऑप्शन बी सही आंसर है, 3 प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जो है इसमें स्थित है। कौन कौन सी, एक तो मंडी हो गया, एक धर्मशाला हो गया और तीसरे नंबर पर शिमला आ जाता है। अब सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न कौन सा है, सबसे बड़ा है मंडी, मंडी सबसे बड़ा है। मंडी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है, देखो तो मंडी में जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो एक तो खुद मंडी आता है, हमीरपुर आता है, कुल्लू आता है, बिलासपुर आता है, लाहौल स्पीति आता है। तो मंडी में 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। शिमला में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, शिमला में आता है डिस्ट्रिक्ट शिमला हो गया, सोलन हो गया, सिरमौर हो गया, किन्नौर हो गया, ये आते हैं डिस्ट्रिक्ट शिमला में। और कांगड़ा में कौन कौन से आते हैं, कांगड़ा में एक तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा या फिर कांगड़ा कह लीजिए या फिर धर्मशाला कह लीजिए, तो कांगड़ा में एक तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा ही आता है, दूसरे नंबर पर डिस्ट्रिक्ट चंबा आता है और तीसरे नंबर पर डिस्ट्रिक्ट ऊना आता है। तो इस तरह से 12 डिस्ट्रिक्ट जो हैं उन सभी को डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए, 130 है, द फाउंडर ऑफ सिरमौर प्रिंसली स्टेट वॉज, सिरमौर रियासत के संस्थापक कौन थे। ये क्वेश्चन भी काफ़ी कन्फ्यूजिंग जो था वो रहा था, बट अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो मैंने ये क्वेश्चन कई बार आपको बताया भी था। सिरमौर रियासत के जो संस्थापक थे वो थे राजा रसालू, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। राजा रसालू के द्वारा सिरमौर की स्थापना की गई। अब यहाँ पर आप एक नज़र मार लीजिए डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के बारे में। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का एरिया है 2825 स्क्वेयर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 5.07% कवर करता है। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का गठन जिले के रूप में 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की स्थापना राजा रसालू के द्वारा की गई थी। सिरमौर की हिस्ट्री में जो है वो सिरमौर का असली संस्थापक सुवंश प्रकाश को भी माना जाता है, और जिन्होंने 1195 में जो था वो कैपिटल बनाया था राजभवन को अपनी। महिमा लाइब्रेरी राजा अमर प्रकाश द्वारा 1926 में स्थापित की गई थी। उदित प्रकाश ने अपनी राजधानी राजभवन से कालसी को शिफ्ट की थी। उसके बाद सुमेर प्रकाश ने अपनी राजधानी बनाया था रतेश को। सूरज प्रकाश ने अपनी राजधानी बनाया था कलसी को। राजा बुद्धि प्रकाश ने अपनी राजधानी बनाया था राजपुरा को। वीर प्रकाश ने अपनी राजधानी बनाया था हाटकोटी को, और यहाँ पर इन्होंने रावणगढ़ का किला भी बनवाया था। फिरोज शाह जो तुगलक था दिल्ली का शासक, उसने सिरमौर को अपनी शाखा बनाया था 1379 में। उस समय सिरमौर के राजा भगत प्रकाश हुआ करते थे। सिरमौर के राजा जो कि शाहजहां के समकालीन थे, उनका नाम था राजा मंधाता प्रकाश। औरंगजेब ने जो था कलनखार और सराहनपुर के एरिया जो थे वो सिरमौर के राजा सुभंग प्रकाश को भेंट किए थे। गुरु गोविंद सिंह ने जो था जब सिरमौर विजिट किया था, तो उस समय सिरमौर के राजा थे राजा मेदिनी प्रकाश। पीच वैली, कियारदादून वैली, पोंटा वैली, ये सभी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित हैं। सिंगुल देवता सिरमौर में पूजे जाते हैं। सिरमौर को जो था वो शिमला सुपरिटेंडेंट से रिमूव करके दिल्ली सुपरिटेंडेंट के अंडर किया गया था 1886 में। मोनेस्ट्री ऑफ पुरने वाला सिरमौर में है। धांगरा डांस सिरमौर के लोगों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, और हर फोक सॉन्ग है सिरमौर का। लोहगढ़ किला, जातक किला सिरमौर में परफॉर्म किए जाते हैं।
राजेंद्र प्रसाद जो थे वो लास्ट राजा थे सिरमौर के। तो ये सब आप सिरमौर के बारे में याद रखिएगा, बेसिक सी जानकारी है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 131, 131 है द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ उहल 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज। तो उहल 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है इसको ऐसी कौन सी एजेंसी है जो एग्जीक्यूट करती है। तो ऑप्शन ए सही आंसर है, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि उहल किसकी सहायक नदी है। तो उहल जो है वो किसकी सहायक नदी है, ये सहायक नदी है ब्यास नदी की। अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि चमेरा 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो किसके द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। तो चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो NHPC के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर आपसे पूछ ले जाए कि बैरासुर परियोजना जो कि 180 मेगावाट की है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है, ये किसके द्वारा एग्जीक्यूट की जाती है। तो ये NHPC के द्वारा एग्जीक्यूट की जाती है। अगर पूछ ले जाए कि सैंज परियोजना जो कि 100 मेगावाट की है और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है, किसके द्वारा एग्जीक्यूट की जाती है। तो ये NHPC के द्वारा एग्जीक्यूट की जाती है। अगर पूछ लिया जाए पौंग बांध के बारे में, तो पौंग बांध जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है, ब्यास नदी पर बना हुआ है और ये भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है या फिर इसके द्वारा बनाया गया था। अगर पूछ लिया जाए कि भाखड़ा बांध परियोजना किसके द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है, तो ये भी भाखड़ा बांध मैनेजमेंट बोर्ड BBMB कहते हैं इसको, इसके द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। नाथपा झाकड़ी परियोजना के बारे में पूछ लिया जाए तो ये 1500 मेगावाट की है और सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड SJVNL के द्वारा एग्जीक्यूट की जाती है। तो ये मैंने कुछ आपको बता दिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए, हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन। तो ये जो हिमाचल प्रदेश में टेक्निकल यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पर स्थित है। 132 का ऑप्शन डी हमीरपुर जो है वो सही आंसर है, हमीरपुर में स्थित है टेक्निकल यूनिवर्सिटी। अब देखो अभी एक एग्जाम हुआ था जिसमें पूछा गया था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई। 2009 में जो था वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी डिस्ट्रिक्ट मंडी में कहाँ पर स्थित है, तो और इसकी स्थापना कब की गई। तो IIT डिस्ट्रिक्ट मंडी के कमांड में स्थित है और 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। NIT हमीरपुर की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी। NIT हमीरपुर की स्थापना 1986 में की गई थी, परंतु 1986 में जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसको रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से जाना जाता था। और हमीरपुर में जो ये रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज 1986 में स्थापित किया गया था, इसको NIT में बदला गया 2002 में। और हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की स्थापना कब की गई, 1978 में की गई। डॉक्टर YS परमार वानिकी एवं उद्यान विश्वविद्यालय की स्थापना जो कि नौणी डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है, इसकी स्थापना 1985 में की गई। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई, 1970 में इसकी स्थापना की गई। तो ये आप याद रखिएगा जो अभी तक एग्जाम में पूछा जा चुका है और इंपॉर्टेंट भी है आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 133, 133 क्वेश्चन है विच वॉज द फर्स्ट बैंक इन हिमाचल इन शिमला। शिमला का पहला बैंक कौन सा है। शिमला का पहला बैंक है ऑप्शन बी अलायंस बैंक। अलायंस बैंक ऑफ शिमला जो है ये पहला बैंक है यहाँ का। यहाँ से आप इतना ही याद रखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 134, 134 है धरती है बलिदान की बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। धरती है बलिदान की बुक जो है धरती है बलिदान की ये किताब जो है ये शांता कुमार के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। शांता कुमार के द्वारा और भी किताबें लिखी गई हैं, जैसे कि एक किताब उन्होंने लिखी है राजनीति की शतरंज, ये किताब भी शांता कुमार ने लिखी है। मृग तृष्णा नाम से एक किताब, ये भी शांता कुमार ने लिखी है। लाजो नाम से एक किताब है, ये भी शांता कुमार ने लिखी है। पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, ये किताब भी शांता कुमार के द्वारा लिखी गई है। अब देखो ऑप्शंस में राहुल संकृत्यान भी दिया गया है। तो राहुल संकृत्यान के द्वारा कौन कौन सी किताबें लिखी गई हैं। राहुल संकृत्यान ने दो इंपॉर्टेंट किताबें लिखी हैं, एक तो हो गया किन्नर देश, किन्नर देश लाहौर राहुल संकृत्यान ने लिखी, और दूसरा है हिमाचल परिचय। हिमाचल परिचय भी है जो है वो राहुल संकृत्यान ने लिखा। उसके बाद MS रंधावा भी यहाँ पर दिया गया है। तो MS रंधावा के द्वारा जो है वो कौन सी किताब लिखी गई है। इनके द्वारा जो है एक किताब लिखी गई है जिस किताब का नाम है कांगड़ा पेंटिंग। तो कांगड़ा पेंटिंग किताब इन्होंने लिखी है। डॉक्टर YS परमार भी ऑप्शन में दिया गया है। तो डॉक्टर YS परमार के द्वारा एक किताब लिखी गई जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेटस, ये किताब डॉक्टर YS परमार ने लिखी। पॉलियंड्री इन हिमालयाज, ये किताब भी डॉक्टर YS परमार के द्वारा ही लिखी गई। तो ये इंपॉर्टेंट किताबें आप याद रखिए जो इंपॉर्टेंट राइटर्स के द्वारा लिखी गई हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए HPGK से रिलेटेड, डिटेल में हमने डिस्कस किए। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पर
हम टाइम टू टाइम क्विज भी आप लोगों को देते रहते हैं और पीडीएफ फाइल्स भी आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।